ये देखे जी, खड़ी हो जाओ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे। आज गर्मी भी काफ़ी हुई हुई है और जो मुर्गी थी ना, अभी अंडों से उठाया है इस मुर्गी को। ये देखे जी, यहाँ से उठाया है तो अभी ये रोटियाँ डाली हैं मुर्गी को, और साथ में मैंने ना ये गंदम लेके आया। मैंने कहा ये इसे डाल देते हैं, तो रैबिट आ गए जी। रैबिट पाके वो देख, क्यों लड़ाई कर रहे हो? ये देखे जी, मुर्गी ना मारने लग गई एकदम से। मुर्गी मार रही है क्योंकि ये अंडों से अभी उठी है, तो इस वजह से ये कबूतरों को मार रही है, क्योंकि जो पिजन है ना हमारे, वो नीचे हमने केज से बाहर निकाले हुए हैं। ये देखे जी, मुर्गा कुछ नहीं कह रहा, ये गुस्से में आई हुई है। दो दिन हो गए उठी नहीं थी इस वजह से शायद। एक ये पिजन, एक इधर रैबिट तो अंदर भाग के चले गए हैं। रैबिट नहीं, क्यों लड़ाई कर रही हो? ये देखे जी, मुर्गियाँ गुस्से में आई हुई है। ना स्वीटी, जो मेरी कैट है ना, ये है बाहर आ गया, अब देख रही है मुर्गी। क्या करूं मैं, कैट को भी मारूं? कैट रैबिट तो अंदर चले गए, रैबिट नहीं बाहर आ रहे मुर्गी के डर से, क्योंकि मुर्गी मारती है रैबिट को। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई भी है, पसीना भी काफ़ी आ रहा है। ये देखे तो इस वजह से शायद मुर्गी ना जो परेशान थी, बैठी हुई उठ नहीं रही थी। अब मैंने उठा के नीचे उतारा इसको, मुर्गी को केज से, तो अब रोटियां डाली हैं तो अब खा रही है। देखे जी, ये देखे, ये जो केज है इसके ऊपर ही बैठी, यहाँ पे चार रह गए, दो अंडे भी इसने तोड़ दिए या पी लिए, ये नहीं समझ आ रही। कल टूटे हुए थे मैंने देखे, उसके छिलके जो मैंने बाहर उठा के फेंक दिए। तो गर्मी काफ़ी हो चुकी है, आज 10 जून है, इस वजह से गर्मी तो होनी है, क्योंकि काफ़ी धूप है आज।